तुम्हारी सजा की तारीख अनाउंस हो चुकी है। तो फिर कब खात्मा किया जा रहा है मेरी जिंदगी का? अगले महीने की 6 तारीख। सब सूली पर ही लटकाना है तो फिर इंतजार क्यों? फांसी के हर मुजरिम को इतनी मोहलत दी जाती है कि वो अपने पीछे रह जाने वाली जायदाद अपनी मर्जी से उसके मुस्तहिक वारिसों में बांट सके। मुझे भी अपनी प्रॉपर्टी फैमिली के नाम करवानी है। मेरी जायदाद का 60% मेरी बेटी के नाम होगा। और बकाया 20-20% है अतिरिया बाजी और तुरिया के नाम। और कुछ? और वासिल विलास की मलकियत अदीला बाजी और दुरिया दोनों के पास होगी। और एक जरूरी बात, मेरी फैमिली की तरफ से हमाद की बीवी के लिए एक अपार्टमेंट खरीदा जाए और उन्हें अपना केटरिंग का काम करने के लिए जितने पैसों की जरूरत है वो सब मेरी फैमिली की तरफ से उन्हें मुहैया की जाए, ताकि किसी की मोहताज ना हो। वो मगरूर औरत अपने कातिल भाई को सजा मिलने के बाद भी उसी चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी है जैसे पहले खड़ी थी। तुझे क्या लगा था तू उसके सामने जाके रोएगा धोएगा तो वो तुझे माफ कर देगी? मैं यार कोई तो रास्ता बता, मैं क्या करूं कि वो। एक मौका है तेरे पास, जल्दी बताना यार मुझे क्या करना होगा। वासे, तू कुछ भी करके वासे को अपनी जानिब राजी कर ले। वासे अगर मरने से पहले तुझे माफ कर दे तो मुझे यकीन है कि वो भाभी को भी तेरे हक में कर देगा। बस तू किसी भी तरीके से उसको खुद से राजी कर ले तो तेरे सोए हुए नसीब भी जाग जाएंगे।